ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया हूँ। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, वे मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया हूँ। इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज प्रॉफिट एंड लॉस का आज धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ, बिल्कुल बेसिक से जीरो टू हीरो लेवल, यानी लेवल जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, तो हीरो लेवल तक चलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यानी जनरल कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो हम बात करेंगे, यहाँ से MRP, पहले हम बात करेंगे MRP क्या होता है। MRP यानी क्या हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम क्या हो गया, रिटेल प्राइस। देखिए यहाँ से क्या हो गया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, MRP का हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा MMP, यानी क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, वो भी क्या होता, अंकित मूल्य होता। इसका भी क्या होता, अंकित मूल्य, इसको कहते हैं अंकित मूल्य, और क्या कहते हैं, सूची मूल्य, क्या कहते हैं, सूची मूल्य, और इसी का क्या कहते हैं, तथा इसी को कहते हैं छापा मूल्य। क्या कहते हैं, छापा मूल्य, क्या कहते हैं, छापा मूल्य भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से इसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, यानी अंकित मूल्य कहिए, सूची मूल्य कहिए, या छापा मूल्य भी कहा जाता है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं दवाई लेने, या मोबाइल खरीदने जाते हैं, या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो उसका जैसे रेट दिया रहता है, जैसे उसका फिक्स दाम हो गया कितना, 120 रुपया, तो उस पर दुकानदार क्या कहते हैं, जो 10% का लेस करेंगे इस पर, तो वो उसके बाद क्या होता है, वो क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से आपको MRP समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ से अब जो क्रय मूल्य क्या होता है। यहाँ से देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। यहाँ से क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर खरीदते हैं वस्तु को, जिस मूल्य पर खरीदी गई वस्तु को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ से जिस मूल्य पर हम क्या करते हैं, वस्तु को खरीदते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जब इसको हिंदी में हम क्या लिखना होगा, शॉर्ट में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से क्रय और क्या लिखेंगे, मूल्य लिख देंगे। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम शॉर्ट में, तो लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट CP, यहाँ से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट CP लिखेंगे। और देखिए यहाँ से तो हम बात करेंगे विक्रय मूल्य, आपको क्रय मूल्य में कोई दिक्कत नहीं, अब बात करेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, देखिए यहाँ से जब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ से तो सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य। तो जिस दर पर क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस दर पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वही क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आप विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट में इतना लिखेंगे, और इसी को इंग्लिश में क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे SP, यानी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। यानी खरीदी गई वस्तु को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और बेची गई वस्तु को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ से तो हम क्या कहेंगे इसको, फिर लाभ निकालेंगे, यानी लाभ, लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट कहते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में P लिखेंगे, यहाँ से शॉर्ट में क्या लिखेंगे, P लिखेंगे।
अब किसी वस्तु को जितना हम खरीदे हैं उससे क्या करेंगे, ज़्यादा दाम पर बेचेंगे, तो क्या कहलाएगा, यहाँ से लाभ कहलाएगा। यानी हम जितना में वस्तु को खरीदे हैं उससे क्या करेंगे, अधिक दाम पर हम उसको बेचेंगे, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए यहाँ से, तो लाभ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, एस पी माइनस क्या करेंगे, लिखेंगे सी पी। यानी एस पी माइनस क्या करेंगे, लिखेंगे सी पी। यानी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ से। यानी क्या किए, जितना में हम खरीदे थे और क्या किए, जितना में हम बेच दिए, जितना में खरीदे थे उससे ज़्यादा दाम में क्या किए, हम बेच दिए, तो क्या हो गया, लाभ। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए लाभ बराबर हम लिखे हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हो गया सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब इसी में लिखेंगे हानि, तो हानि क्या होता है, तो हानि को बोलते हैं लॉस, इंग्लिश में लॉस बोलते हैं, इसको हम एल से सूचित कर देंगे। अब देखिए हानि क्या होता है, तो क्या किया, जैसे हम किसी वस्तु को ज़्यादा दाम पर खरीदे हैं और कम दाम में क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि होगा वहाँ। तो देखिए यहाँ से, तो हानि के लिए डायरेक्ट क्या होगा, सी पी या माइनस क्या होगा, एस पी। यानी क्या किया, हम ज़्यादा दाम में खरीदे हैं, कम दाम में हम बेच रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, इसमें लॉस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जे यहाँ से देखिए, लाभ प्रतिशत आपको कहा जाए या हानि प्रतिशत आपको कहा जाए, तो उसके लिए क्या होगा फार्मूला, हम बताते हैं यहाँ से। तो कहा गया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाला को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो देखिए यहाँ से, तो इसी तरह का मोटिवेशन आपको बीच बीच में सुनाते रहेंगे, और यहाँ से मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ से, क्या बात करेंगे, लाभ, यानी लाभ को किससे डिनोट करते हैं, पी से, यानी प्रॉफिट। इसका परसेंटेज निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लाभ और बट्टे क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और गुणे क्या लिखेंगे यहाँ से, 100। इसका हम इंग्लिश में फॉर्मूला लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, पी बट्टे सी पी, और गुणे क्या लिखेंगे, 100। यहाँ से डायरेक्ट क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ से हम बात करेंगे यहाँ से हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत, इसको हम एल से, यानी लॉस, जब इसको हम लिखेंगे, प्रतिशत निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सबसे सिंपल प्रतिशत निकालेंगे, इसको लिखेंगे, यानी हानि क्या लिखेंगे, हानि बट्टे सी पी, और गुणे क्या लिखेंगे, 100। यानी क्या लिखेंगे यहाँ से, क्रय मूल, इसको क्रय मूल, और इसी को इंग्लिश में डायरेक्ट लिखना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एल बट्टे सी पी, यानी लॉस बट्टे क्या हो गया, सी पी, और गुणे 100। ये क्या हो गया, लॉस, यहाँ से लॉस परसेंटेज बराबर। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से हम बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए हम आपको यहाँ से क्लास शुरू किए हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ से। अच्छा, आप एक बात हमें बताइए, यहाँ से जब प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालना होता है, तो बट्टा में क्रय मूल्य काहे लिखते हैं, तो क्रय मूल्य इसीलिए लिखा जाता है यहाँ से, क्रय मूल्य क्या होता है, इसका फिक्स होता है प्राइस, इसीलिए क्रय मूल्य पर जब भी परसेंटेज निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो यहाँ से हम बात करेंगे हमेशा किस पर बात करेंगे, तो सीपी पर बात करेंगे। इसका क्या होता है, सीपी एकदम फिक्स प्राइस होता है, और देखिए यहाँ से जब सेलिंग प्राइस क्या होता है, ऊपर नीचा होते रहता है, तो इसीलिए यहाँ से जब भी निकालेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो बात करेंगे हमेशा किस पर, तो सीपी पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, लेवल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, लेवल आज हम जीरो लेकर के आए हैं, जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु का
यानी क्या दिया गया है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से आपको इसमें क्या किया गया है, ना प्रॉफिट पूछा गया है ना लॉस पूछा गया है, केवल इसमें बताना है जो क्रय मूल्य क्या है यानी सीपी। तो यहाँ से क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, देखिए यहाँ से तो क्रय मूल्य दिया गया है कितना में, यहाँ देखिए 20 रुपया में, यानी क्या हो गया सीपी, क्या हो गया 20 रुपया, यानी क्या हो गया सीपी कितना हो गया 20 रुपया यहाँ से। और विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए यहाँ से, यहाँ से विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया एसपी, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए यहाँ से 35 रुपया, क्या हो गया 35 रुपया में बेच दिया। कितना में ख़रीदा था, तो वस्तु को 20 रुपया में ख़रीदा, और क्रय मूल्य कहा गया तो कितना हो गया क्रय मूल्य 20 रुपया, और विक्रय मूल्य कहा गया तो यहाँ से देखिए तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ से तो विक्रय मूल्य हो गया 35 रुपया, वस्तु को क्या किया गया 35 रुपया में बेच दिया गया। जब इसी में आपको पूछा जाता ये बताइए लाभ कितना होगा, इसी में पूछा जाता लाभ यानी प्रॉफिट, तो क्या करते हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते एस पी और माइनस क्या करते सी पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्या होगा कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से लिखेंगे 35 माइनस क्या करते 20, यहाँ से क्या आता 15 रुपया, तो क्या आ गया प्रॉफिट आ गया इतना रुपया आपको पूछा जाता तब। लेकिन अभी तक का क्या है इसका आंसर, पहला क्रय मूल्य कहा गया तो क्रय मूल्य 20 हो गया, और डायरेक्ट देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 35। आपका आंसर इतना ही तक रहा, और आगे पूछा जाता यहाँ से प्रॉफिट पूछा जाता तो इतना होता। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो देखिए यहाँ से प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम सेकेंड, तो देखिए यहाँ से ईवी क्या है लेवल 0 है। तो देखिए यहाँ से एक दुकानदार ने एक टेबल 200 रुपयों में ख़रीदा है तथा 50 रुपये लगा कर पेंट कराता है और 300 रुपये में बेच देता है, तो लागत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे पहले क्या क्या एक टेबल को 200 रुपये में ख़रीदा, क्या किया देखिए यहाँ से टेबल कितना में ख़रीदा गया तो 200 रुपये में, और क्या किया गया देखिए यहाँ से उसके बाद 50 रुपया और लगा करके उसको पेंट कराया गया, तो क्या हो गया यहाँ से, यहाँ से 50 रुपया और जुटेगा, तो क्या हो गया यहाँ से देखिए इसको जोड़ करके कितना आ गया 250 रुपया, क्या आ गया 250 रुपया, यानी क्या हो गया कुल क्रय मूल्य, क्या हो गया कुल क्रय मूल्य इसको कहेंगे हम, यानी कुल क्या हो गया सीपी, कितना हो गया टोटल सीपी हो गया। यहाँ से 200 रुपये में ख़रीदा गया था वस्तु और क्या किया गया 50 रुपया और लगा कर के इसको पेंट कराया गया, तो टोटल कितना हो गया 250, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 250 रुपया, और क्या किया गया और विक्रय मूल्य ज्ञात करें और 300 रुपये में बेच दिया गया, उसी टेबल को क्या किया गया 300 रुपये में बेच दिया गया, यानी क्या हो गया विक्रय मूल्य, यानी क्या हो गया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 300 रुपया, यहाँ से 300 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। और जब इसी में आपको पूछा जाता अब देखिए कम रुपया में ख़रीदा गया है और क्या किया गया अधिक रुपया में बेच दिया गया, तो क्या होगा स्वाभाविक है यहाँ क्या होगा तो लाभ होगा, यानी क्या होगा लाभ यानी प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कितना का हुआ तो एस पी या माइनस क्या करेंगे लिखेंगे सी पी। तो देखिए यहाँ से एस पी कितना दिया गया है 300 यहाँ से, और सी पी कितना दिया गया है देखिए यहाँ से 250 रुपया, क्या दिया गया है 250 घटा कितना आया 50 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना हुआ 50 रुपया का लाभ हो गया। देखिए यहाँ से फिर हम क्या करते हैं अब लेवल हम 1 स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से प्यारे साथियों लेवल 1 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से दिया गया है एक वस्तु को 400 रुपये में ख़रीद कर 500 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपये का लाभ हुआ, लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसमें क्या पूछा गया है कि वस्तु को 400 रुपये में ख़रीदा गया और क्या क्या ख़रीदने के बाद 500 रुपये में बेच दिया गया, तो कितना कितना का लाभ हुआ, तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है इसमें। तो हम यहाँ से देखिए पहले लाभ निकालेंगे, तो लाभ के लिए आप फार्मूला क्या पढ़े हैं डायरेक्ट यहाँ से, तो लाभ के लिए देखिए यहाँ से पढ़े हैं एस पी या माइनस क्या करेंगे सी पी लिखेंगे,
एसपी कितना है यहाँ देखिए 500, और क्या दिया गया है यहाँ से सीपी, तो सीपी देखिए यहाँ से क्या है यानी खरीदी गई वस्तु कितना है 400 रुपया में खरीदे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 400 तो क्या हो गया 100 रुपया, तो 100 रुपया क्या हो रहा है लाभ हो रहा है घटा करके, तो देखिए यहाँ से यानी लाभ क्या हो गया यहाँ से 100 रुपया निकल के आया। अब इसको लाभ क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लिखेंगे यहाँ से डायरेक्ट, तो लाभ प्रतिशत के लिए डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे देखिए यहाँ से लाभ और क्या करेंगे लाभ बट्टे यानी क्रय मूल सीपी हो गया, क्या बात करेंगे क्रय मूल और गुणे 100, तो देखिए यहाँ से लाभ कितना है निकला है यहाँ से 100, तो यहाँ से लिखेंगे 100। सीपी कितना दिया गया है देखिए यहाँ से सीपी दिया गया है 400, तो यहाँ से लिखेंगे 400 और गुणे 100, यहाँ से क्या होगा देखिए यहाँ से 20 से 20 क्या होगा समाप्त, 25 चौका क्या होगा देखिए यहाँ से 100, तो क्या हो गया यहाँ से 25% यानी क्या हो गया लाभ, लाभ कितना हो गया 25, तो यहाँ से 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आप लोगों से हम हमेशा गुजारिश करेंगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जब देखते हैं वीडियो जब बनाने के लिए यहाँ से चलते हैं तो गाड़ी आकर के डिस्टर्ब कर देती है, तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जब मेरा सेटअप बन के तैयार हो जाएगा, जिस दिन आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला उस दिन मेरा सेटअप बन के तैयार हो जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, आपको भी समय समय से वीडियो हम तरह तरह का लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।